तो चलिए, आज मैं यहाँ पर ट्राई कर रही हूँ नान, जो बेकरियों में मिलते हैं वही नान मैं आपको दिखा रही हूँ आज। तो मैंने यहाँ पर 3 कप भरकर मैदा लिया है, यहाँ पर 2 और ये 3, इसे साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है, सॉस पैन के अंदर मैं 1 कप दूध, और आधा कप पानी ऐड करूंगी, और इसे हम रख देंगे गरम के लिए। हमें इसे गुनगुना गरम करना है, ज्यादा गरम नहीं करना है। यहाँ पर देख लेते हैं तब तक। तो यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें 5 चम्मच, मैं ये चम्मच यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 5 चम्मच डालूंगी चीनी, तो यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दी है। अब यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच नमक, अब इसमें डालूंगी यही 2 चम्मच ड्राई ईस्ट है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 अंडा, अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा कर कर हमारा दूध और पानी का मिक्सचर। ठंडी के दिन है इसके लिए आपको गर्म पानी ही लेना है, गर्म कर कर ही लेना है दूध और पानी। अगर गर्मी के दिन है तो आप नॉर्मल पानी से भी इसे गूंद सकते हो। अब इसमें डालूंगी मैं हमारा 2 चम्मच तेल, एक चम्मच घी। अब इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। देख सकते हो यहाँ पर आटा अच्छे से गूंद गया है। अब इस नीचे हम डैशबोर्ड पे लगाएंगे तेल किचन टेबल पे, और इसकी कर लेंगे मालिश। हमें ऐसे खींचते हुए स्टिच करते हुए मालिश करनी है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये अच्छे से नरम हो गया है और नीचे चिपक नहीं रहा है। बॉल ले लिया है, बॉल को कर लेंगे ऑयल से ग्रीस, और इसमें डाल देंगे हमारा नान का डो, और इसे भी हम ऑयल से कर लेंगे ऊपर से कवर। टे के लिए, रेस्ट के लिए रख देंगे। इस पे मैं ढक दूंगी हमारा पेपर, आप चाहे तो इसे फॉइल पेपर से भी कवर करके रख सकते हो। अब इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए, मिलते हैं 1 घंटे के बाद। तो चलिए देख लेते हैं हमारे नान के बैटर को। तो ये देखिए, 1 घंटा पूरा हो गया है। अब तेल में हाथ ग्रीस करके
से पंच करेंगे। किचन टेबल पे लगा लेंगे तेल और इसे अच्छे से वापस से एक बार हल्के हाथों से मालिश कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके कट करेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तीन छोटे साइज के बनाए हैं और दो बड़े साइज के बनाए हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब इसे हम एक घंटे के लिए वापस से ओवन में रख देंगे, बंद ओवन में एक घंटे के लिए। मिलते हैं एक घंटे के बाद। तो चलिए, यहाँ पर नान हमारे अच्छे राइस हो गए हैं। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ पे इन्हें राइस करने के लिए लगा है डेढ़ घंटा इसलिए लगा है क्योंकि ठंडी के दिन है, इसलिए ये जल्दी से राइस नहीं हुए। इसके लिए अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी मिल्क। टूटी फूटी नहीं है, मैं सफेद तिल ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सफेद तिल ऐड कर दी है इसके ऊपर। अगर आपके पास टूटी फूटी है तो टूटी फूटी भी ऐड कर सकते हो, चेरी है तो चेरी भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो। ये आपके ऊपर है आपको क्या ऐड करना है। तो चलिए, हमारा ओवन फ्री हीट हो गया है। यहाँ पर मैंने ओवन में ट्रे रख दी है। लास्ट में आपको दिखाऊंगी टाइम कितना लगा है। यहाँ पर मैंने ऊपर की ट्रे में तीन, नीचे की ट्रे में एक और उसके नीचे की ट्रे में एक, ऐसे मैंने नीचे के दो ट्रे में सिंगल सिंगल रखे हैं बड़े साइज के, और ऊपर की ट्रे में तीन रखे हैं छोटे साइज के। तो आपको लास्ट में दिखाएंगे कितना टाइम लगा बेक होने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारे नान अच्छे से हो गए हैं बेक। अब इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे नान बनकर रेडी हो गए हैं और हम इसे देख लेते हैं तोड़कर। और ये देखिए, बहुत अभी गर्म है और ये मैंने नीचे से भी बेक कर लिया था। ये देखिए बहुत अंदर से बहुत जाली आई है, और ये यहाँ पर अभी गर्म है ये। और ये देखिए, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।